कोरोना केसों में धरखम वधारो थई रह्यो छे। ठेर ठेर संक्रमितोनी भरमार जन नजरे चढ़ी रही है, त्यारे कर्फ्यू साथ लॉकडाउन नो भय पण स्थानिकोने सतावी रह्यो छे। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन नो निर्णय करवानी छेल्ली सत्ता राज्य सरकारोने आपी छे, जेमां वडाप्रधान द्वारा लॉकडाउन नो छेल्लो विकल्प छे तेम जणाव्या बाद विजयभाई रूपाणी द्वारा पण आ अंगे स्पष्टता करवामां आवी छे के हाल गुजरात में लॉकडाउन नी जरूर नथी, परंतु हाल तो कर्फ्यू जेवा केटलाक नियमोनी कड़क अमलवारीने परिणामे धंधाने रोजगार पड़ी बांग्या छे, जेथी अमदावादना श्रमिको अने प्रवासीओ मोटी मात्रामां वतन वापसी करी रह्या छे। कोरोना संक्रमण थी समग्र जनता अने तंत्र व्यथित छे। ठेर ठेर केसों में जे रीते वधारो थयो छे तेने जोता हाल तो होस्पिटलों साथे तमाम मेडिकल बाबतोनी अछत होय तेवा दृश्य नजरे चढ़ी रह्या छे। कोरोना महामारी ना बीजी लहर खूब ज घातक बनी रही है। आ कपरी स्थिति में देशभर में लाखों की मात्रा में अने गुजरात में 12,000 थी वधु दैनिक कोरोना ना केसों सामे आवी रह्या छे। आ महामारी एटला हदे वणसी रही है कि होस्पिटलों में बेडो खूटी रह्या छे, ऑक्सिजन की अछत वर्ताई रही है अने इंजेक्शनों पण खूटी रह्या छे। आ विषम परिस्थिति मध्य कर्फ्यू साथ तंत्र द्वारा केटलाक नियमोनी कड़क अमलवारी करवामां आवती होवाथी धंधा ने रोजगारों पर पण माठी असर पड़ी रही है, जेना परिणामे केटलाय श्रमिकोनी अने प्रवासीओनी हालत कफोड़ी बनवा पामी छे। एक बाजू कोरोनानो कहर अने बीजी बाजू धंधा रोजगार पर पड़ी रहेली माठी असरना परिणामे श्रमिकोने पोतानुं वतन परत फरवुं वधारे उचित लागी रह्युं छे। गत वर्षे लॉकडाउन थता श्रमिकोने खूब ज हालाकीनो सामनो करवानो वारो आव्यो हतो। अचानक सरकार द्वारा लॉकडाउन की जाहरात करी देवामां आवे तो फरीथी एकवार इतिहासनुं पुनरावर्तन न थाय, ए माटे श्रमिको अने प्रवासीओ वतन वापसी करी रह्या छे अने कोरोनानी गाइडलाइन्सना धजागरा उडाड़ी ट्रावेल्सोमां मोटी मात्रामां श्रमिको अने प्रवासीओ जता देखाई रह्या छे। कोरोना काल मध्यनी आ कपरी परिस्थितिमां सरकारने पण प्रवासीओ अने श्रमिको माटे योग्य सुविधाओं आपी वतन वापसी रोके अने योग्य सुविधाओं आपे ते माटे लाइव गुजरात न्यूज पण अपील करी रह्युं छे। कोरोना संक्रमण काळो केर वर्तावी रह्यो छे ते समये अहींया धंधो रोजगार पर माठी असर पड़ी होय तेवो माहोल पण देखाई रह्यो छे। अमदावादना मेघाणीनगर विस्तारमां अत्यारे परप्रवासीओ अथवा तो श्रमिको जे होय छे तेओ पोतानी वतन वापसी करता दृश्यो नजरे चढ़ी रह्या छे। अत्यारे अमदावादना मेघाणीनगर पासे अत्यारे लाइव गुजरात न्यूज़ पहुंच्युं छे ते समये मोटी मात्रामां भर बपोरे प्रवासीओ पोताना स्थळे अथवा तो वतन वापसी करी रह्या होय तेवा दृश्यो नजरे चढ़ी रह्या छे। ट्रावेल्सनी अंदर पोते तेओ लोको तमाम लोको जे छे ते वतन वापसी करी रह्या छे ने तेनुं कारण तेओ ए जणावी रह्या छे के अहींया रहीशुं तो भूख्या रहेवानो वारो आवशे, जो घरे होईशुं तो कम से कम अमने 2 टंक जमवानुं तो मळशे। त्यारे अहींयाना आपणी पासे केटलाक प्रवासी छे तेमनी साथे वात करीए। आप पहले तो नाम क्या है, कहाँ जाना है आपको? इटावा। नाम गोविंद सिंह। क्यों जा रहे हो? अभी आप कहाँ पर रह रहे थे और अभी क्यों जा रहे हो? मैम को प्रेमनगर गाँव कंपनी बंद हो गई, जाके जा रहे। कंपनी बंद है, फेंका है पे। अभी वहाँ जाके क्या करोगे? कहाँ पर जाना है आपको? इटावा। पर अपना गांव जा रहा हूँ। अपने गांव पे जा रहे, गेहूँ काटेंगे और क्या? आपका गांव गेहूँ कट रहा है और गाँव जा रहा हूँ। आप किस तरह देखते हो, क्योंकि जैसे प्रवासियों बहुत मात्रा में जा रहे हैं, किस तरह देखते हो? सर यहाँ पे देखो कुछ कंपनी वगैरह सब बंद है तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। लोगों के पास घर पे जाएंगे तो अपना खाना पीना की व्यवस्था है, वहाँ पे अपना परिवार है, सब कुछ है। यहाँ पे क्या करे रहेंगे? सरकार ने बोला है लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर भी ऐसी सिचुएशन आ रही है। क्या लग रहा है, अगर लॉकडाउन गलती से हो जावे ये डर से आप जा रहे हो? लॉकडाउन लग जाएगा तो यहाँ पड़े रहेंगे, क्या खाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसके वजह से जाना पड़ रहा है। वहाँ पे जाके सुरक्षित तो रहेंगे घर पे अपने। वहाँ पर भी केसों ऐसे ही बढ़ रहे हैं, तभी लग रहा है कोरोना से आप बच सकते हो। वहाँ पर बच सकते हो, अपने घर पे तो जाके अपने परिवार के साथ में रह तो सकेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, क्या खाएंगे हम? कोई देने वाला तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए। आप किस तरह देखते हो, क्योंकि परेशानी सभी को है। प्रवासी लोग जैसे जा रहे हैं, श्रमिक लोग जैसे जा रहे हैं, और इतनी धूप में इतनी पब्लिक जा रही है, कैसा देख रहे हो? हम तो ये देख रहे हैं भैया, इतने परेशानी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी कंपनियाँ बंद हो गई हैं, सेठ पैसा देने वाला नहीं है तो घर जाके कुछ भी करके अपना पूरा तो करेंगे। इधर तो क्या अभी लॉकडाउन अचानक लग गया तो सरकार तो कुछ देने वाली है नहीं, उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, हम तो घर ही अपना बराबर है। सरकार ने बोला है लॉकडाउन नहीं करेंगे, तो आपको आशा नहीं लग रही है कि सरकार संभालेगी या लॉकडाउन जैसी सुविधा मतलब नहीं होएगी अभी? ऐसा कुछ सरकार बोलने में तो कुछ भी बोलती है, फिर क्या अपने आप दूसरे दिन तो बोल देती है लॉकडाउन लग गया। हमारे कहाँ जाने का, अभी हमारे तो बीवी बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, क्या करने का है क्या नहीं करना। सरकार तो बोलती है, खाली बोल के भी कुछ करती तो है ही नहीं, खाली बोलना ही उनका है और कुछ करना है नहीं। पहले तो चलो पहले खाना पीना हो गया था, अभी तो कुछ भी नहीं रखा है, अभी तो मरना ही है हम लोगों को। इसके पहले लॉकडाउन हुआ था तभी कैसी कैसी परेशानी हुई थी? अरे हमारी परेशानी हम जानते हैं, भगवान से यूँ बोलते हैं दुश्मन को भी ऐसी परेशानी ना हो। बे हम यहाँ से हज़ारों किलोमीटर जो है ना खाली गाड़ी लेके बाइक ले लेके गए हैं उसके लिए। अब तो दोबारा ऐसा लगता है कि अहमदाबाद में तो आने का ही नहीं है, पोजीशन ऐसी है कि गुजरात में तो कभी आना ही नहीं, वहीं मर जाना है, भी ऐसा है। तो आप જોઈ શકો છો જે રીતેનો માહોલ છે હું દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ કે પ્રવાસીઓ અથવા તો શ્રમિકો જે છે તે મોટી માત્રામાં અહીંયાથી વતન વાપસી કરી રહ્યા છે। દ્રશ્યો જે રીતે નજરે ચઢી રહ્યા છે કે ફરીથી એકવાર ગુજરાતમાં પાછો આવવાની નોબત ન આવે તેવી પૂરતી તૈયારી સાથે તેઓ અહીંયાથી વતન વાપસી કરી રહ્યા છે। વતન વાપસીની વાત છે ત્યારે મજબૂરીમાં કરતા હોય તો પણ અને પોતાના પરિવારને મળવાની ઈચ્છાથી કરતા હોય તો પણ, પરંતુ અત્યારે એકમાત્ર હેતુ તેમનો એ જ છે કે કોરોના સંક્રમણમાં જો અહીંયા કોઈ મોટી મુશ્કેલીઓ આવે તો આપણે આપણા પરિવાર સાથે ગામડે હોઈએ તો ચોક્કસથી પરિવાર સાથે રહી તો શકાય। આ જ હેતુથી આ જ ઉદ્દેશથી જ્યારે મોટી માત્રામાં પ્રવાસીઓ અહીંયાથી જઈ રહ્યા છે ત્યારે સરકાર પણ કંઈક આ શ્રમિકો અને પ્રવાસીઓ માટે કરે તેવી અપેક્ષા તેઓ રાખી રહ્યા છે। કેમેરામેન સચિન પડિયાર સાથે રવિ રાઠોડ, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ।